उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग धीरे धीरे बुझने लगी है, लेकिन धुएं और धुंध के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन समेत कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। धुएं से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल सिद्धार्थ सिंह ने कानपुर के एडवोकेट शिवाकांत त्रिपाठी पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। डीजीपी को लिखे शिकायत पत्र में न केवल मोबाइल फोन पर किए गए मैसेज भेजे हैं, बल्कि शिवाकांत त्रिपाठी पर लगे पुराने आरोपों की भी जानकारी दी है। सीबीआई ने हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम काउंसिल के डीजीएम आशुतोष सिंह के घर से 1,37,00,000 नकद और 9 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के कागजात जब्त किए हैं। उनकी कार से सीबीआई ने 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। आशुतोष सिंह के खिलाफ सीबीआई को धोखाधड़ी और घूसखोरी की शिकायत मिली थी। कानपुर इन दोनों आदमखोर लकड़बग्गे के आतंक के साए में है। यहाँ के नवशील धाम टाउनशिप में लकड़बग्गे ने एक 2.5 साल की बच्ची को अपना निवाला बना डाला। बाद में बच्ची का शव झाड़ियों में कई टुकड़ों में मिला। घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। मथुरा में एक दिन की नवजात बच्ची सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस और चाइल्ड लाइन संस्था के कार्यकर्ताओं ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस बच्ची के माता पिता की तलाश में जुटी है। मेरठ में बाल सुधार गृह में बाल कैदियों ने डीजे बजाने को लेकर जमकर हंगामा काटा। हंगामा कर रहे बाल कैदियों ने सुधार गृह में तैनात 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट की और छत पर चढ़कर पुलिस पर पत्थर भी बरसाए। वहीं हंगामे के बीच अफरा तफरी का फायदा उठाकर 3 बाल कैदी फरार हो गए। मेरठ में डॉक्टर की लापरवाही के चलते 10 महीने की एक नवजात बच्ची की आंखों की रोशनी चली गई। आरोप है कि बच्ची को निमोनिया के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन गलत दवाई के चलते उसकी आंखों की रोशनी चली गई। पुलिस जांच में जुटी है। कानपुर में पानी संकट के आधार पर आईपीएल मैच रद्द कराने के लिए सिविल कोर्ट में एक और मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला को विपक्षी पार्टी बनाया गया है। इसके पहले दायर किए गए मुकदमे को अदालत ने इस तर्क के साथ खारिज कर दिया था कि सरकार को विपक्षी पार्टी बनाए जाने के कारण मुकदमे की सुनवाई सिर्फ हाई कोर्ट ही कर सकती है। लखनऊ के गोमती नगर के उजारिया गांव की दर्जनों झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बाद में करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगरा में शाहजहां का 361वां उर्स शुरू हो गया है। इस दौरान 3 दिनों के लिए पर्यटक शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की कब्रें देख सकते हैं। खास बात यह है कि उर्स के मौके पर ताजमहल में सैलानियों की 3 दिन एंट्री फ्री होगी। उर्स के मौके पर ताजमहल में कई कार्यक्रम भी होंगे। 5 मई को सुबह से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे।